मरहबा प्यारी बच्चियों, मरहबा ईद मिलादुन्नबी है, मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार से तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। ईद मिलादुन्नबी, मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल अंबियाए वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى चैनल के नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम मेरे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वेलकम कहते हैं। प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, रब्बुल अव्वल का महीना आ चुका है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अशकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों को सजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो किड्स मनी चैनल भी इन खुशियों को बढ़ाने के लिए बच्चियों के लिए लाया एक खुसूसी प्रोग्राम, जिसका नाम है मेरे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाकयात सुनेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ सीखेंगे। इसके अलावा और भी मालूमाती और दिलचस्प सेगमेंट होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, बल्कि प्रोग्राम के आखिरी तक हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेकियों में इजाफा भी होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज प्रोग्राम के सेगमेंट शुरू करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। ईद मिलादुन्नबी है, मरहबा या मुस्तफा। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है राबिया। हम इस सेगमेंट में हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सुनेंगे, जो लम्हे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी हलीमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास गुजारे। प्यारी बच्चियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में थे और हजरत बीबी हलीमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ उनके घर नहीं गए थे, तो उस वक्त उनके कबीले में खाने पीने की कमी थी, दरख्तों पर फल नहीं उगते थे, जानवर कमजोर हो गए थे और दूध भी नहीं देते थे और बारिशें भी नहीं होती थी। फिर जब बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की बरकत से वहाँ खाने पीने की कमी खत्म हो गई, दरख्त फलदार हो गए, जानवर मोटे हो गए और दूध देने लगे और बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर रोशन हो गया। एक दिन बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इनकी पड़ोसन ने पूछा, ए हलीमा, आपका घर पूरी रात रोशन रहता है, क्या आप पूरी रात चराग जलाती हैं? बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, ए चराग की रोशनी नहीं, बल्कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर वाले चेहरे की रोशनी है। और जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए हैं, हमें चराग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नूर वाला आया है, दूर लेकर आया है, असले आला मेरे देखो कैसा दूर छाया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
तो प्यारी बच्चियों मालूम हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बरकत हो जाती, और जिस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते वो घर आपके नूर से रोशन हो जाता था। तो प्यारी बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी बातें। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है आमना। जी आमना। प्यारी बच्चों हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्यारी प्यारी बातें सुनेंगे। प्यारी बच्चियों आज हम स्टोरी सुनेंगे। इसमें हमें मालूम होगा कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करना ईमान का मुकम्मल होने के लिए जरूरी है। आज चलते स्टोरी की तरफ। एक दफा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरी जान के अलावा कायनात की हर चीज से ज्यादा मुझे प्यारे हैं, यहाँ तक के औलाद से भी ज्यादा मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा फरमाई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर अब ईमान मुकम्मल हुआ है। प्यारी बच्चों इस वाक्य से हमें पता चला कि ईमान के मुकम्मल होने के लिए जरूरी है कि हमें सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी से मोहब्बत है तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह पाक हमें सबसे ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नसीब फरमाए। तो प्यारी बच्चों हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मदीने की बातें। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। जी तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है सफा। जी सफा। प्यारी बच्चों इस सेगमेंट में हम प्यारे मदीने के बारे में प्यारी प्यारी बातें करेंगे। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। सुभान अल्लाह। मदीने पाक के नाम बहुत ज्यादा हैं और उलमाए कराम ने मदीने पाक के 100 नाम लिखे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी शहर ऐसा नहीं है जिसके इतने ज्यादा नाम हो। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने की खाक यानी मिट्टी हर बीमारी से शिफा है। जब कोई मुसलमान जियारत की नियत मदीना शरीफ आता है तो फरिश्ते रहमत के गिफ्ट के साथ वेलकम करते हैं। कयामत के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वालों की शफाअत करेंगे। मदीना शरीफ का कब्रिस्तान जिसका नाम जन्नतुल बकी है दुनिया के तमाम कब्रिस्तान से अफजल है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बार बार मदीने पाक की अदब वाली हाजिरी अता फरमाए। आमीन। प्यारी बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नबी हमारे बड़ी शान वाले। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजरा। जी हाजरा। प्यारी बच्चों एक सेगमेंट में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हम सब नात के अशआर पढ़ेंगे। और नात शरीफ की क्या ही बात है, नातें तो सारी अच्छी होती है मगर जब नात को अच्छी आवाज में पढ़ा जाए तो और भी मजा आता है। तो प्यारी बच्चों हमें खूब नातें पढ़नी चाहिए। अब चलते हैं सेगमेंट की तरफ। आप सब तैयार है ना? जी। पहले मैं एक शेर पढ़ूंगी फिर बारी बारी आप सब किसी भी नात का एक एक शेर पढ़ेंगी। इसी तरह हम एक राउंड पूरा करेंगे। चले शुरू करते हैं। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आला
से शुरू करेंगे। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जी यम्मा आप पढ़े। सबसे ओला ओला हमारा नबी, सबसे बाला ओला हमारा नबी। जी क्या आप पढ़िए। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। जी सफा आप पढ़िए। आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। जी राबिया। दौलत जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जी अन्ना आप पढ़िए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का धूला हमारा नबी। प्यारी बच्चों, इसी के द्वारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुरूद उन पर सलाम उन पर। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। और इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है अन्ना। जी अन्ना। प्यारी बच्चों, इस सेगमेंट में हम एक दुरूद पाक याद करेंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और सेगमेंट के आखिरी में दुआ भी मांगेंगे। प्यारी बच्चों, आज जो हम दुरूद पाक याद करेंगे वो छोटा सा दुरूद पाक है और इस दुरूद पाक को पढ़ने से रहमत के 70 दरवाजे खुल जाते हैं। बच्चियों, अब मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाऊंगी, आप सबको पढ़ना भी है और साथ में याद भी करना है। दुरूद पाक ये है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, 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 सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो बच्चियों, आपको दुरूद पाक याद हो गया है ना? अब हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिलकर एक साथ 12 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दुआ मांगेंगे। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु عيد ميلاد النبي هي مرحبا يا مصطفى الحمد لله नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुनेंगे और प्यारे बच्चियों, हमें कोशिश करनी है जो हम सुने उसे याद रखें और उस पर अमल करें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पाक सीखा और सिखाया। जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता दिखाए तो उसे भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना के इस नेकी पर अमल करने वाले
को। दुआ मुसीबत को खत्म कर देती है। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। नमाज दीन का सुतून है। प्यारे बच्चे, आज हमने सीखा के कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने वाला बेहतरीन इंसान है। नेकी का रास्ता दिखाने पर भी सवाब मिलता है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसको याद भी रखना है और इस पर अमल भी करना है। प्यारे बच्चों, इसी का हमारा ये सेगमेंट भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सीखे। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सीखेंगे बच्चों खाने से पहले की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। आज हम सीखेंगे बच्चों खाने से पहले की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। दुआ ये है, बिस्मिल्लाही वाला बरकतल्ला, बिस्मिल्लाही वाला बरकतल्ला, बिस्मिल्लाही वाला बरकतल्ला। तो प्यारी बच्चों, आपने कितनी प्यारी दुआ सीखी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मैच दाने। ईद मिलादुन्नबी है मरहबा या मुस्तफा। इस सेगमेंट में कुछ यूँ होगा, बोर्ड पे ड्यू है नाम को ब्लॉक की मदद से टेबल पे लिखना होगा। तो पहले मैं टीम ए से बुलाती हूँ इकरा को। आपका पहला वर्ड है रहीम। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बता। अब आपका पहला वर्ड हो गया है कंप्लीट। अब आपका दूसरा वर्ड है अक्रम। मैं इन ब्लॉक्स को वापसी मिक्स कर दूंगी। अब आपको अक्रम बनाना है। क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, मरियम की बातें। अब आपका दूसरा वर्ड हो गया है कंप्लीट। अब आपको तीसरा वर्ड बनाना है अमीन। सिखाती है मरियम की बातें, देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। ओहो, मरियम की बातें। अब आपने ये वर्ड भी बना लिया। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है बशीर। मरियम की बातें, काफी देर हो गया है, लगता है आपका काउंटर शुरू करना पड़ेगा। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिख। आपने ये वर्ड भी बना लिया। अब आपका आखिरी वर्ड है हातिम। आपने सारे वर्ड मुकम्मल कर लिए। अब आप जाके बैठ जाइए। अब हम बुलाते हैं टीम बी से आमना को। आपका पहला वर्ड है हामिद। क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम। आपने पहला वर्ड बना लिया। आपका दूसरा वर्ड है हबीब। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम। आपने ये वर्ड भी बना लिया। अब आपका वर्ड है हसीन। की बातें, मरियम की बातें सुन सुनो, देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या। आपने ये भी बना लिया। अब आपका वर्ड है साजिद। देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाती है मरियम।
आपने ये वर्ड भी बना लिया, अब आपका आखिरी वर्ड है रफीक। आपने ये भी मुकम्मल कर लिया, आपके तमाम अल्फाज पूरे हो गए। अब आप अपनी जगह पे बैठिए। आप दोनों टीम्स ने अपने नेम्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको नेम्स के मतलब बताऊंगी। रहीम रहम करने वाला, अकरम बहुत सखावत करने वाला, अमीन अमानतदार, बशीर खुशखबरी देने वाला, हातिम फैसला करने वाला, हामिद अल्लाह पाक की तारीफ करने वाला, हबीब प्यारा पसंदीदा, हसीब इज्जत वाला, साजिद सजदा करने वाला, रफीक बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाला। प्यारी बच्चों, इसी तरह प्रोग्राम का वक्त यही कदम होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला। मरहबा प्यारी बच्चियों, मरहबा ईद मिलादुन्नबी है, मरहबा या मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह, प्यार से तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। ईद मिलादुन्नबी मरहबा। बच्चों का मदनी चैनल ला।